हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है। वहीं नायब सिंह सैनी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, जिसके बाद उन्होंने पद संभालने के साथ ही बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू कर दिया है। जी हाँ, हालांकि इस फैसले को लागू करते ही इस पर बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने नाराजगी जताई है। मायावती ने इस फैसले के जरिए दलितों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए कहा कि हरियाणा की नई बीजेपी सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटे की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। आगे हमलावर होते हुए मायावती ने ये भी लिखा कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी ये साबित है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। जी हाँ, जो घोर अनुचित है और बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। इतना ही नहीं, वो यहीं पर नहीं रुकी बल्कि इसके आगे भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि वास्तव में जातिवाद पार्टियों द्वारा एससी एसटी और ओबीसी समाज में फूट डालो और राज करो व इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। वहीं अब कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि इसी साल 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी। जी हाँ, ताकि अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े समूहों के लिए अलग से कोटा दिया जा सके। जी हाँ, वही फैसला 7 जजों की पीठ ने 6-1 की बहुमत से सुनाया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोटा के भीतर कोटा का मतलब क्या है। दरअसल आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना कोटे के अंदर कोटा है। जी हाँ, ये मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे और कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। लेकिन मेरी आपसे एक सवाल है कि क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया ये फैसला दलितों को बांट रहा है, या फिर उनके अंदर, दलितों के अंदर जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये कुछ आगे की काम करने की कोशिश कर रहा है? हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।